नाइस टू मीट यू। क्या नाम बताया आपने? अजी शान, शांतनु। शोभता के अलावा और इसके अलावा दो और हैं हमारे बेटे, ज्ञान ते ध्यान। इंटरेस्ट शान, ये मैथ्यू है, शोकू का बॉयफ्रेंड। क्या क्या बात है, क्या बात है। ओ यू मीन शोकुता ने मुझे तुम्हारी शादी में इनवाइट किया है। कंग्रेचुलेशंस यंग मैन। थैंक यू। ओ दैट्स नाइस। जी आंटी, मैं शोकुता से कह रहा था कि मैंने कभी इंडियन वेडिंग नहीं देखी, आज तक नहीं देखी, इसने मुझे आज तक इनवाइट नहीं किया है। कभी जा रहे हो शादी पे अपनी? सर आप शादी में नहीं आ सकते। क्यों? क्यों क्यों? क्योंकि सर शादी बहुत दूर है, बहुत दूर। और जी शोकता ने इनवाइट किया, अब हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, पूरे रस्म और रिवाज के साथ देखने मिलेगी जी आपको इंडियन शादी। आपसे भांगड़ा करवाएंगे, तो सबसे पहला हम आपको मिलवाते हैं हमारी होने वाली बहू से। ओह यू मीन जिससे शान की शादी होने वाली है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं नहीं बेचारे थक गए हैं, बाद में मिल लेंगे ना। वो तो बुधवार मिलवा देने यार, पर रजनी पुत्र है कहाँ यार? मैं यहाँ हूँ बाऊजी। जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग टू यू रजनी। तुम इससे शादी कर रहे हो? हाँ जी बिल्कुल, ये हमारी रजनी पुत्र है ही, ऐसे ही देखते ही सामने वाले पे जादू कर देती है। मैथ्यू बेटा अब चलो, तुम थक गए होंगे, आराम कर लो, हमको तुमसे बहुत सारी बातें भी करनी है। ओके आओ बेटा, कम 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 कम। One thing, आप मैं क्यों सर ने तुम्हें देख लिया है, मर गए कई काम से, तुम मर गई, मैं मर गया, एवरीथिंग इज डेड, एवरीथिंग इज ओवर नो। मैं मर नहीं सकती, मुझ में ये फीचर है ही नहीं। वाओ, ये टाइम में आपने फीचर्स गिनाने का, बताओ रजनी तुम्हें पता है हो क्या रहा है? अरे शोगो दीदी को पूरी दुनिया में यही लड़का मिला था मैथ्यू सर रोमांस करने के लिए। वो जानते हैं कि तुम एक रोबोट हो, और वो ये भी जानते हैं कि मेरी शादी तुमसे हो रही है। Do you know what's gonna happen? अगर वो फैमिली में बता देंगे तो मैथ्यू सर को मैं अपने सारे नए फीचर्स बता देती हूँ, वो बहुत खुश हो। प्रॉब्लम सॉल्व शान। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैथ्यू सर ने अगर बता दिया तो फैमिली को पता चल जाएगा कि रजनी एक रोबोट है। यू सी द प्रॉब्लम? सच बहुत बलवान होता है। सच बता दीजिए शान। हाँ रजनी, हम लोग इंसान हैं, रोबोट्स नहीं। इट्स नॉट दैट इजी, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। एनीवे तुम चलो कबर्ड में, ओके? ये सब मैं संभाल लूंगा। हेलो शान, उधर क्या देख रहे हो? मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। कैसे हो मेरे जीनियर शान? पता है जीनियर और पागल में ना एक बड़े थिन लाइन का फर्क होता है। तुम उस लाइन के उस तरफ चले गए हो, पागलों के साइड पे। तुम रजनी से शादी कर रहे हो, मेरी रोबोट रजनी से? सर वो मैं वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारी एक्सप्लेनेशन के लिए, टेक योर टाइम। क्या बोलूं, सोच शान, सोच क्या बोलेगा, सोच, थिंक समथिंग। किसे बात कर रहे हो? मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। देखा मैंने कहा था ना तुम पागल हो गए हो, तो बताओ। नहीं बताओगे तो चलो ठीक है, तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे फैमिली से जाकर पूछ लेता हूँ, शायद उनके पास जवाब होगा। सर रोमोस
रोबो से शादी, मैं आपकी रजनी रोबो से। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप भी ना, आप आई मीन रोबो से कैसे कोई शादी कर सकता है। तो फिर स्टोरी क्या है? स्टोरी 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 हाँ स्टोरी स्टोरी ये है, मैं रजनी से शादी कर रहा हूँ, राइट राइट। ये रजनी आपकी वाली रजनी नहीं है, वो रजनी द रोबो है, ये रजनी द लड़की है। इस रजनी की शक्ल उस रजनी से मिलती है बस। ओके ओके, तुम्हारा मतलब है कि तुमने अपने रोबोट का नाम अपनी होने वाली बीवी के नाम से इंस्पायर होके रखा है। करेक्ट, यू आर सो स्मार्ट सर, मैं बड़ा होके आप जैसा बनूंगा। और शक्ल? शक्ल तो मेरी अच्छी है सर। स्टूडेंट, मैं रजनी की बात कर रहा हूँ। शक्ल भी सर, यू आर सो इंटेलिजेंट सर, सो स्मार्ट सर। क्या किसी भी क्रिएटर को, इन्वेंटर को इंस्पिरेशन की जरूरत होती है? तो मेरे लिए रजनी वॉज माई इंस्पिरेशन और रजनी द रोबोट आपकी वाली। You get it? Okay, ठीक है, तो फिर कहाँ है मेरी रोबोट रजनी? शान, क्या मैं बाहर आ सकती हूँ? रजनी अभी नहीं, थोड़ा वेट करो, मैथ्यू सर आए हैं ना। ओके बेबी। मेरा नाम बेबी नहीं, रजनी है। ओके रजनी। ओके शान। वो कौन है? रजनी कौन सी? तुम्हारी होने वाली बीवी या मेरी होने वाली रोबोट? ऑफ कोर्स मेरी होने वाली बीवी सर, एक रोबोट के साथ मैं कबर्ड में रोमांस करूंगा। सर क्या है, हम दोनों ना कूची कू करने के लिए फैमिली से दूर भाग के यहाँ आए और बीच में आप आ गए, तो मैंने इसीलिए उसे वेट करने को कहा। शी इज गेटिंग रेस्टलेस। ओके ओके ठीक है पर मेरी रोबोट रजनी कहाँ है? आपकी रोबोट? हाँ मेरी रोबोट रजनी, जिसे बनाने के लिए मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए हैं। ये रही सर, डिसमेंटल कर दिया मैंने। डिसमेंटल? आर यू मेंटल? नहीं सर, रिलैक्स, डिसमेंटल पूरी तरह कर दी है। मैं एक नया रोबोट बना रहा हूँ फ्रॉम द स्क्रैच। आपको तो पता है उस रजनी रोबो में कितनी प्रॉब्लम्स थी। आपको याद है ना सर? डोंट वरी सर, मैंने आपको कमिटमेंट दिया, मैं कमिटमेंट पूरी करूंगा। इस बार मैं और भी बेटर रोबोट बनाऊंगा, और इस बार मैं फीमेल नहीं मेल रोबोट बनाऊंगा। फीमेल रोबोट में ना फीमेल्स की तरह बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती है, मेल रोबोट सिंपल होता है, इजी टू मैनेज, इजी टू कमांड, इजी टू कंट्रोल। फीमेल्स को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होता है। सो इंटेलिजेंट सर, मैं पढ़ाऊ के आप जैसा बनूंगा। सारे चेंजेस तुमने मुझे बिना बताए किए हैं। इस मेल रोबोट के बारे में कुछ दिखाओ मुझे, ब्लूप्रिंट्स, प्लान्स, डेमो। अभी नहीं दिखा सकता सर, अभी नहीं दिखा सकता। मुझे भी नहीं बताओगे? आई एम योर बॉस। राइट सर, यू आर द बॉस सर। सर मैंने सोचा मैं प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करके आपको प्रेजेंटेशन दूं। प्रोफेशनल एथिक्स, वी आर मेकिंग अ टॉप सीक्रेट, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, पर मैं आपको बता देता हूं सर, आप देख लीजिए। ओके ओके ओके। नो नो सर, यू सीट सर। हम लोग क्या कर रहे हैं? मत दिखाओ। इंप्रेसिव हां, शादी के टाइम पे भी काम के लिए इतना सारा फैशन। वेरी गुड, कैरी ऑन। बट बी केयरफुल, हम रोबोट बना रहे हैं, इस बात की भानक को भानक सर। आप हिंट बोलिए। हिंट किसी को भी नहीं लगनी चाहिए, वरना प्रोजेक्ट बंद। ऑलराइट, और ये मेल रोबोट मैं जल्द से जल्द देखना चाहता हूँ, समझे? ओके सर, वो मेरी। ओके, मेल रोबोट कहाँ से लाएगा इडियट? अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी, यू मैड मैन, क्या करेगा? ये तो बहुत ही फनी वाला हो गया भाई। शान तरह के, आजो पुत्र, आजो खाना खाते हैं, आओ। तुम जाके तुम डाइनिंग चेयर पे बैठो। ओके शान। वाओ, अमेजिंग, शी लुक्स जस्ट लाइक रजनी। आई थिंक तुम्हें मुझे अभी बताना चाहिए कि वो मेल रोबोट का है जो तुमने रजनी की जगह बनाया है। सर अभी तो मैंने आपको सब सही वक्त आने पे सब बता दूंगा ना, प्लीज।
कुछ तो हिंट दो, कहाँ है, कैसे दिखता है, गिफ्ट के मिसाउ सर प्लीज। अच्छा इधर ही है क्या? हाँ सर इधर ही। ओके मैथ्यू तुम वहां क्या कर रहे हो? आओ हमारे पास बैठो। ओह जी मेल बॉन्डिंग चल रही है, मेल बॉन्डिंग। मैथ्यू हम बहुत हैप्पी है कि तुम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो। शान तुम्हें ऐसे इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ना कि थैंक यू आंटी, पर मैं शोकता जितना हाफ टैलेंटेड भी नहीं हूं। ओफ रजनी आज तुम्हें पूरा खाना खाना है ताकि मैथ्यू सर तुम्हें खाना खाते देखे और उन्हें यकीन हो जाए कि तुम एक लड़की हो, रोबोट नहीं। ओके ओके शान गुड। ये तो खाना खा रही है। Maybe Shan is right. ये शायद रोबोट नहीं। ये नहीं तो फिर कौन है रोबोट? अबे चलना मुंह लटकाए क्या खड़ा है, खाना खा। मैंने प्रतिज्ञा ली है। कौन? प्रॉमिस की तेरे घर का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। आंटी मुझे फुकड़ फुकड़ बोलती है। नहीं नहीं तू कब से माँ की बात का बुरा मानने लगा? अरे माँ दिल की अच्छी है, थोड़ा गुस्सा करती है, झेल लेना। नहीं मुझे भी रजनी के जैसे इस घर में इम्पोर्टेंस चाहिए। मैथ्यू ये की अच्छी बात है, ये ना शान का कटिया दोस्त है। पूरा दिन शान के पीछे दुम की तरह घूमता रहता है, इधर ही पड़ा रहता है शान के साथ उसका लैट्रिन में। लैट्रिन? ओह यू मीन लैबोरेटरी। ये की अच्छी बात है। ओए आजा भाई, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? आ जाओ आ जाओ खाना खा लो। या ना सिर्फ शान का कमान मानता है और किसी की बात नहीं सुनता है। इसका ना मशीन पूरा उसका अंदर घोटाला है, स्क्रू सब हिले ला है, डैमेज पीस है या। ओ, सिर्फ शान के कमांड्स फॉलो करता है। बिठाओ बिठाओ, वैसे भी देव की आदत डाल दो अब सब लोग, अब यहीं पे पड़ा रहेगा वो। क्यों ना मैथ्यू, जनरली दहेज में चांदी सोना डायमंड्स आते हैं। रजनी देव को लेके आएगी। भाई सुरीली बस कर दे, मेहमान आए उनकी तरफ ध्यान दे, ये तो बेचारा गरीब गया ऐसी चुप बैठा है। तू खा पुत्र। ये तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे इसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, इतनी इंसल्ट के बाद भी। और चल पुत्र तू खा चुप जा। अंकल मुझे भूख नहीं है। और तू खा पुत्र। अरे छोड़ दो ना, उसका मूड नहीं है, नहीं खाना चाहता वो। ओके ओके शान खाना भी नहीं खाता, हाँ, ना इमोशनली रिएक्ट करता है, सिर्फ शान का कमांड सुनता है, हर वक्त शान के साथ लैब में रहता है और स्माइल भी इंसानों जैसी नहीं। ओह माय गॉड,
जो मैं सोच रहा हूँ वो सच तो नहीं? क्या यही है शान का मेन रोबोट? चुप कर यार। रहने दीजिए अंकल जी। देव खाना नहीं खाएगा। जी आप बोलते हैं तक नहीं खाएगा, मेहमान है आप तो खाओ। Can I go? Yeah, go. Thank you. जाने दो उसे, वैसे भी उसकी फीलिंग्स ना होने के बराबर है। शान का रोबोट, इंटरेस्टिंग। क्या कर रहे पागल? तू ही बता मैं क्या करूं? मुझे भूख लगी है। खाने को दे। I understand, देख। यार I'm really very sorry, मैं समझ सकता हूँ तुझ पे क्या गुजर रही है, लेकिन ना वहाँ पे मामला ज्यादा बिगड़े नहीं, इसीलिए मैंने ज्यादा तू तू मैं की नहीं, पर तूने चुप रह के बहुत अच्छा किया। आई मीन सच में हिम्मत दिखाई तूने। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ब्रो। अबे तेरे प्राउड ऑफ यू का मैं चटनी बना के चाटू? तेरे प्राउड ऑफ यू से मेरा पेट नहीं भरता, मुझे भूख लगी। आई अंडरस्टैंड, मैं तेरे खाने का इंतजाम भी करता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जानी तेरी प्रॉब्लम। तू तेरी रजनी, तेरा रोबोट, तेरी जिंदगी, मुझे कुछ नहीं करना। तू तू देख, सुन तो सही एक बार। मुझे मुझे नहीं सुनना। यार बात सुन ना रजनी, देव को चुप कराओ। देव, मेरी बात सुन सकता है ना? इट्स इंपॉर्टेंट। देव, ओके, रजनी देव को उठाओ। मैं सब सुन सकता हूँ रजनी, थैंक यू, मुझे करेक्ट करना। कोई बात, रजनी कुछ नहीं करती, रिलैक्स। रजनी स्माइल, स्माइल कर रही। थैंक यू। अब सुन, मैंने मैथ्यू सर को बोला है कि मैं उनकी रजनी की जगह एक मेल रोबो बना रहा हूँ। क्या? हाँ, क्योंकि ये रजनी अपनी रजनी एक रोबो नहीं लड़की है, ऐसा मैंने मैथ्यू सर को बोला है। तूने कहा है कि तू एक मेल रोबो बना रहे, तो बना ना। एक काम कर, तू मेल रोबो की बनाता, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस सबको रोबो बना दे। तू ना जू खोल दे, गधे गधे को भी बना दे। गधे जैसी बातें मत कर, ऐसा नहीं कर सकते। कुछ प्रोडक्टिव सोच, कोई आइडिया दे मुझे। शान, तुझे आइडिया की क्या जरूरत है? करेक्ट, आई एम अ जीनियस डॉक्टर। साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, पागल वाला डॉक्टर जो तेरा पागलपन दूर करे। तू ना एक्चुअली जीनियस नहीं, तू इडियट है। डोंट एंग्री मी, ओके? मेरा फ्रेंड है ना, दोस्त है ना, भाई है ना, तो मदद करना यार। तो यार भूखे पेट मुझसे कुछ नहीं होता, मुझे कुछ खाना, मैं वो पिलो खा जाऊंगा। मैं तुम्हें खाना दे सकती हूँ। क्या रजनी, ये खाना बनाने की जगह नहीं। खाना तैयार है, मैंने जो खाना बाहर डाइनिंग टेबल पर खाया था वो मेरे फीडिंग पाउच में है, उसे निकाल कर देव को दे दो। It's fresh and hot. इतनी खुशी, रजनी यू द बेस्ट, तू मेरी बहन, तू मेरी सब कुछ। ये देख क्या रहा है? उसके पाउच में से बिरयानी निकाल के दे। वैसे भी उस बिरयानी के ऊपर मेरी कब से नजर थी। हॉट एंड फ्रेश बिरयानी। तो बता, जीनियस कौन है? शान। तुम नहीं, तू बता। तू 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 जीनियस है। और इडियट तू। फ्लश कर दो बिरयानी,
मैं इडियट हूँ। मदद करेगा ना मेरी? खाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तू बोल ना, क्या करना है? ओके, काम डन। रजनी, एक्टिवेट स्लीप मोड। ओके शान। हाँ, तो सोच मेल रोबोट का क्या करें। आइडिया, तू एक काम कर, तू रजनी का फेस चेंज करके उनको दिखा दे। अबे नहीं यार। अरे मेल रोबो बनाएगा कैसे, कहाँ से लाएगा मेल रोबो?